हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है समीरा। आज हम बात करेंगे कि फ्रंट कंडेंसर को कितना तरह से चेक किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। फ्रेंड्स, मेरे पास ये कंडेंसर है, एक फ्रंट कंडेंसर है जो कि सही है, लेकिन हम आपको इसको चेक करके दिखाएंगे कि इसको कितने तरीके से चेक किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे मल्टीमीटर से चेक करके दिखाएंगे कि आपको इसमें कितना वोल्ट आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3.4 है, तो इसमें एक्सएक्स जो है 400 आना चाहिए या 400 से ऊपर। तो हम इसको चेक करके देखते हैं मल्टीमीटर से इतना आता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पर 2000 ओम पर रख लेंगे। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे या फिर 200 ओम पर रख के चेक करेंगे कि इसमें कितना आता है। तो चलिए हम इसको रख के देखते हैं। ये 2000 पर रख लिया। अब इसको हम चेक, ये दोनों पोलों से इसको चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, ये देखिए, इसको चेक करके देखते हैं। देख सकते हैं कि 1500 लगभग में आ रहा है। तो चलिए इसको हम उल्टा कर देख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13.67 आ रहा है। तो ये ओके करने से अब हम आपको इसका दूसरा तरीका दिखाते हैं कि इसको किस तरह से चेक करते हैं। दूसरा तरीका जो है, हम इलेक्ट्रिक से इसको चेक करके दिखाएंगे कि इसको चार्ज करेंगे और उसके बाद जो है हम इसको डिस्चार्ज करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम चार्ज करके देखते हैं। चलिए लगा कर देख लेते हैं इसको। देखिए, ये जोर से क्या आवाज़, इसका मतलब कि ये वाला सही है। तो अगर ये ख़राब होता तो इसमें स्लो साउंड होता, तो इसका मतलब ये ठीक है। फ्रेंड्स, आप देखें कि ये दो तरीका था चेक करने का। अगर ये ख़राब होता तो ये स्लो साउंड करता। मल्टीमीटर से हम इसे रेजिस्टेंस मोड में चेक करते हैं और बजर रेंज में चेक करते हैं। बजर रेंज में हम उस कंडेंसर को चेक करते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर रहता है, जो कि सर्किट में हम लगाते हैं, इसे हम नहीं करते हैं। तो सिर्फ इतना उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।